हाय, कैसे हो तुम सब? और सुपर संडे विद एमजी में आप सबका फिर से वेलकम है जी। और जल्दी से लाइव आ जाओ, तुम सबको देखना है, बातें करनी है। आज तो जरूरी है करनी है कि आज फ्रेंडशिप डे है मेरी जान, आज अपना अपना वाला दिन है। तो कैसे हो तुम सब? जल्दी 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 आओ। लो भाई, हमेशा की तरह मेरा फर्स्ट हाय जाता है इस बार भी प्रज्योत पाटिल को। हाय प्रज्योत पाटिल, हाय सैम जैन, हाय शुभम जैन, हाय अस्मिता मोहन काले, हाय शिखर सिंगल, हाय वैष्णव अथ्रियास। वाह, जल्दी जल्दी सबके सब लाइव आ रहे हो। हाय सरबजीत मुखर्जी, हाय शुभम वशिष्ठ, हैप्पी हैप्पी फ्रेंडशिप डे सबको। सब ऑनलाइन आ जाओ जल्दी से, सारे दोस्तों को अपना इन्विटेशन आ गया है जी। और हाय तरुण का गुप्ता, देखो अब जल्दी से खूब सारे लोग अपने साथ ऐड हो रहे हैं इस टाइम पे। आकाश गुप्ता ऐड हो चुके हैं, तरुण का गुप्ता ऐड हो चुकी हैं, धरना प्रमोद शर्मा ऐड हो चुकी हैं। धरना कह रही हैं कि आई वाज वेटिंग फॉर यू होल डे। सॉरी धरना, मैंने आप सबको वेट करवाया पर आज मैं थोड़ा मतलब लेट उठा था, लेट सारे काम हुए थे क्योंकि कल रात को हम बहुत अमेजिंग से हमने पार्टी करी थी, मैंने, कुणाल भैया ने और कुणाल भैया अंश, उनका बर्थडे था तो हम सब ने बहुत मजे किए थे कल की बर्थडे पार्टी में और बहुत मस्ती करी थी और बहुत देर रात तक हमने खूब सारे गाने गाए थे, बहुत सारे गाने गाए थे। और वहाँ मेरे को बहुत ही अमेजिंग लोग मिले, सैम ब्रो मिला मेरा, रवि ब्रो मिले, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे लोग थे जो वहाँ पर दोस्त ही बन गए बताओ मेरे। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, तुम सब आ जाओ जल्दी से लाइव, खूब सारी बातें करनी है। और आज ना ज़्यादातर बात ही कर पाएंगे, आज मेरा गला बहुत खराब है, मतलब आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थकी हुई है। तो मैं आज पता लेट क्यों आया मैं ना लाइव चैट में, क्योंकि मुझे ये था कि यार शायद मैं मतलब गा नहीं पाऊँगा या बोल नहीं पाऊँगा अच्छे से, क्योंकि गला थोड़ा सा दर्द कर रहा था, थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम था, वो तो होता रहता है जी। तो मैं सोच रहा था कि आज क्या करूँगा, मतलब थोड़ा सा सैड था मैं, थोड़ा सा दुखी था कि मैं क्या करूँ, पर अब अच्छा लग रहा है, तुम सबसे बातें करूँगा और तो क्या करूँगा भाई, फ्रेंडशिप डे है और कैसे छोड़ सकते हैं फ्रेंडशिप डे पर अपन सब बात करना। तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और मैं आ गया हूँ वापस से, ये आज गाने नहीं गाऊंगा ज़्यादा, पर हाँ एक लाइन ज़रूर कहूँगा तुम सबको, एक लाइन ज़रूर गाऊंगा तुम सबके लिए जो कि बहुत मतलब एकदम सिचुएशन पर एकदम सटीक बैठती है। वो है कि दोस्ती सब पे भारी नंबर एक है, अपनी ये दोस्ती सब पे भारी नंबर एक है, कह ले कुछ भी मेरा कपकेक है। तो जी मेरे सारे कपकेक्स, कैसे हो तुम सब? बढ़िया लग रहा है। आयुषी केडिया कह रही है नेवर माइंड मोहित, सारिका पवार कह रही है हैप्पी फ्रेंडशिप डे, इति गोयल कह रही है एंड आज मेरा बर्थडे भी है, तो इति गोयल को हम सब की तरफ से हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और तुम सबको मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो अभी बहुत सारी सारे लोग आ चुके हैं। मोनी दत्ता कह रही है आई मिस्ड इट, इवन मोहित जी इज लाइव नाउ कॉज द स्पीकर्स ऑफ माय कंप्यूटर आर डेड एंड आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। जो भी हो हैप्पी फ्रेंडशिप डे मोहित जी। तो मोनी दत्ता का इतना स्वीट सा मैसेज आया, वो कह रही है कि वो सुन नहीं पा रही अभी जो भी हम लाइव चैट में बोल पा रही हैं, उनके स्पीकर्स खराब हैं उनके मतलब सिस्टम के, पर कोई दिक्कत नहीं मोनी, जब भी आप नेक्स्ट देखो, जब भी आप इस वीडियो को वापस से देखो तो आप सुन सकती है जो जो भी मैंने कहा। तो मीनू कुमारी कह रही है हैप्पी फ्रेंडशिप डे मोहित, थैंक यू सो मच मीनू, सेम टू यू। समीर खान कह रहे हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे भैया, लव यू टू समीर भाई। और शहनवाज अली कह रहे हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू टू ब्रो। उसको मामले को अपने हाथ में ले लिया है मैंने, अच्छा लगता है मुझे स्टैंड से फिर जब हाथ पर शिफ्ट हो जाते हैं हम, वो थोड़े से मालट कर लूँ। हाँ जी, तो हिमानी प्रजा कहती है, प्रजापति कह रही है हैप्पी टू सी यू, सो स्वीट हिमानी, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब देखो अपन जितनी भी बातें कर पाते हैं मैं तो मज़ा आता है जी। तो उपासना सिंह गुप्ता कह रही हैप्पी फ्रेंडशिप डे क्यूट हो, स्माइल करो थोड़ा, इट विल मेक माय वीक। अरे यार क्या बोलूँ यार, मेरे को तो थैंक यू सो मच उपासना यार, प्यारे से हो ना तुम सब, बहुत ही प्यारे से हो तुम। मेरी इच्छा कर रही है यार, देखो अभी गला थोड़ा सा ज़्यादा ही थका हुआ है, आवाज़ निकल नहीं पा रही है, पर मेरी बहुत इच्छा है तुम्हारे लिए कोई ना कोई सॉन्ग तो गाऊं। और क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है, आज आज अपना यारा दा दिन है, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड, अरे यार
फ्रेंडशिप डे से याद आया कि मैं और मेरे कुछ बेस्टीज के बारे में बताऊं, तुम सबको शेयर करूं मेरे दिल की बात। तो है ना, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा सबसे जो लाइफ के मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स है ना, जैसे तुम सबके भी होंगे बेस्ट फ्रेंड्स, जिनको आज तुमने सबसे पहले सोचा होगा, आज सबसे पहले तो इसको कॉल कर फ्रेंडशिप डे विश करना है, तो इसको सबसे पहले मैसेज करके फ्रेंडशिप डे विश करना है। तो वैसे ऐसे मेरी लाइफ के जो मेरे सबसे सबसे प्यारे दोस्त है ना, सबसे मतलब बेस्ट फ्रेंड्स तो हैं, सबसे जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो हैं स्कूल टाइम में मेरा बेस्ट फ्रेंड निखिल खंडेलवाल। तो आज मैं निखिल को विश नहीं कर पाया क्योंकि आज मैं बहुत लेट उठा था और बहुत लेट सारी चीज़ें हुई थी, मैं बहुत सारी चीज़ें करनी थी आज, मेरे को बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करने थे और वो नहीं हो पाया यार, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा अभी बैठा हुआ सा है, मतलब जैसे मैं बैठा हुआ इस कुर्सी पे वैसे मेरा गला भी बैठा हुआ है मेरे गले में। हाँ बैठ जो, तो मैं निखिल को, तो निखिल और मैं एक दूसरे को ही कहते हैं हर बार हैप्पी यारादा डे, तो फ्रेंडशिप डे से ज़्यादा यारादा डे है हमारे लिए। तो निखिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है स्कूल टाइम का, वो बेस्ट फ्रेंड इसलिए है क्योंकि उसने मतलब वो बेस्ट फ्रेंड तो है, वो उसका रीज़न नहीं पता मेरे को क्यों है, बस है, पर वो बहुत प्यारा है। और निखिल वो पर्सन है मेरी लाइफ का जिसको देख देख कर, जिसको इंस्पायर होकर मैंने सबसे पहले लिखना शुरू किया था, मैंने पोएम्स लिखना शुरू किया था, फिर उसके बाद में मैंने गाने लिखना शुरू किया था। और सबसे मस्त बात यह है कि जैसे निखिल मेरी लाइफ में अभी भी है, वो मेरा हमेशा लाइफ में सबसे बेस्ट फ्रेंड में से एक रहेगा। वैसे मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड जब कॉलेज टाइम में बनी, वो थी नंदनी, राज नंदनी कश्यप। तो नंदू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वो क्यों है बेस्ट फ्रेंड ये भी अभी मेरे को नहीं पता, वो पागल है, वो बहुत प्यारी है, और मोस्ट प्रोबेबली नंदू अभी लाइव चैट देख रही होगी और वो कोई एकदम अजीब सा कोई वाहियात सा अभी कमेंट भी करेगी, राज नंदनी कश्यप कहेंगी। तो राज नंदनी कश्यप मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और फिर मेरी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड बना मेरा आकर्ष, और फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड बने अर्चित भैया, दीपक, दीक्षित और ओशीन और अक्षी, सारे मेरे लाइफ के पागल पागल दोस्त हैं मेरे, बहुत प्यारे से। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि वो मेरी लाइफ में है, और अभी मेरी लाइफ में इस शो के बाद तुम सब भी आ गए हो, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मतलब पहले तो मेरे फ्रेंड्स थोड़े से थे और बहुत प्यारे से थे, अब मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं और बहुत प्यारे हैं। और यार ये तो राइम बन गई ना, रुको देखो कैसा, कि पहले मेरे फ्रेंड थोड़े थे, थोड़े कुछ क्या था, मैं भूल ही गया क्या राइम बनाई थी यार, एकदम से बना देता हूँ मैं, अब क्या करूँ। तो अच्छा लग रहा है अभी तुम सब आ गए, अभी अपन फ्रेंडशिप डे ऐसी बात करते करते सेलिब्रेट करेंगे। तो बात करने से ज्यादा शुभम कर कह रहे हैं भाई आपकी मूंछें बड़ी मस्त है, थैंक यू शुभम। और अंकित दुबे कह रहे हैं इश्कान फ्लाग। बोनी का मंगला कह रही है और सो क्यूट, मेरे लिए कोई सॉन्ग सुना दो। बोनी का मंगला बिल्कुल, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं आप सबके लिए एक सॉन्ग सुनाऊंगा। और अभी आज फ्रेंडशिप डे है तो माफ़ करना, मैं अभी शायद अच्छे से गा नहीं पाऊँ आप सबके लिए, पर फ्रेंडशिप डे है, अपन सबका दिन, अपन सब यारादा डे है, जैसा मैं और निखिल हमेशा कहते थे, तो यारादा डे है, तो इस यारादा डे पे एक फ्रेंडशिप के लिए एक सॉन्ग, ये सॉन्ग मेरे तुम्हारे लिए, मेरे और तुम सबके लिए। यारों दोस्ती बड़ी हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार, बेगैरस तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा देखो, मैंने तो अपने सारे पागल जो सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, उन सब के बारे में बताया, अब तुम अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बताओ मेरे को, तुम्हारे कमेंट्स चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में वो कौन तुम्हारा पागल दोस्त है, मतलब मेरे अलावा, मेरे मैं तो देखो वो पागल दोस्त हूँ तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी लाइफ का वो सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, चलो कमेंट करो अपने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में सुनना चाहता हूँ। हर बार मोहित तो बोलता है, मोहित तो जिंदगी भर बोलेगा ही बोलेगा, अरे तुम भी तो कुछ बोलो, मतलब तुम सब कमेंट्स तो कर ही रहे हो, आज मैं तुम सब के बारे में सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में। तो प्लीज अभी ना तुम सब अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बताओ, मुझे सुनना है, मुझे सुनना है मुझे। दर्शन पटेल कह रहे हैं बियर्ड सर जी झकास।
अरे थैंक यू सो मच दर्शन। अना हफीज कह रही है यू डोंट रिप्लाई मी सो सैड आई लव यू। अरे अना हफीज सैड नहीं होने का यार, देखो अगर आज मेरे को अभी तुम बहुत सारे ऐसे तुम सब कमेंट्स करते हो ना, तो इवन अगर मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो ये समझना नेक्स्ट लाइव चैट में अपन सब मिलते रहेंगे यार। हर संडे को अपना मिलना तय है, मतलब फिक्स्ड है, वी हैव टू मीट एवरी संडे एनी हाउ। तो अवनी शाह कह रही है हैप्पी फ्रेंडशिप, हैप्पी वाला फ्रेंडशिप डे मोहे, सेम टू यू अवनी। तो अभी मेरे को बताओ कि अपने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताओ मुझे, तो मेरे को सुनना है तुम सबके बेस्ट फ्रेंड के बारे में। तो सैम पटेल कह रहे हैं कि लालू चिंटू माय पोपट इज माय फ्रेंड, सो स्वीट। इत्ती गोयल कह रही है रक्षा मेरी जान है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, मी टू। अरे यार क्या बात है। तो इत्ती गोयल कह रही है कि रक्षा उनकी बेस्ट फ्रेंड है, और बेस्ट फ्रेंड ही उनकी जान है, और रक्षा के लिए इत्ती गोयल कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी, गजब। तो रक्षा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो तुम जान जाओ, मतलब तुम्हें बात तो पता होगी, अभी मेरे थ्रू मैं भी कह रहा हूँ कि मतलब इति तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचती है, और तुम्हारे लिए तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है इति, और इति के लिए तुम अपनी उनकी बेस्ट फ्रेंड हो। तो आकांक्षा प्रियदर्शनी कह रही है माई बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड नेम इज लक्ष्मी सुता, सो स्वीट। अरे और मैं क्या चाहता हूँ कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में तो ये तो बता रहे हो, ये तो बताओ कि वो कैसे कैसे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, क्यों, मतलब कैसे क्या क्या क्रेजी चीज़ें की हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ बताओ, और मैं हम सबसे वो शेयर करूँ, मतलब जितने भी अपन यहाँ पर अपन सब दोस्त लोग हैं, अपन इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे तुम्हारी बातें शेयर हो। तो अभी अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कोई किस्सा सुनाओ मेरे को जो मैं तुम सबसे शेयर करूँ। तो जब तक तुम वो किस्सा बताओ, जब तक मैं कुछ एक किस्सा शेयर करता हूँ। तो होता क्या था कि हर फ्रेंडशिप डे पर मतलब बैंड्स तो बांधते ही थे, तो एक मैं तुमको एक किस्सा शेयर करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, एट्थ क्लास की बात है, और बहुत कम लोगों को पता है, एट्थ या सेवन्थ क्लास की बात है। मैं सेंट पॉल स्कूल में हुआ करता था, और मेरे को एक लड़की पर बहुत ज़्यादा बड़ा क्रश था, उसका नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, तो मतलब कुछ भी मान लो। तो मैं क्या था, मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता था पहले, मतलब मेरी बहुत, मैं बहुत डरता था लड़कियों से बात करने में, पता नहीं क्यों, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हुई थी लाइफ में या जो भी था, तो मेरी बहुत डरता, मैं बहुत डरता था लड़की से, बहुत शर्म आती थी। तो है ना, एक लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने कैसे भी हिम्मत करके, मेरे को अभी याद है कि है ना फ्रेंडशिप डे था, तो मैंने बस उसको मतलब बहुत डर के, सेवन्थ एट्थ क्लास की बात है, मैंने उसको बहुत डर डर के उसके पास गया, और मैंने उसको बोला कि हाय कैन वी बी फ्रेंड्स। और कब से मेरा वो क्रश थी, क्लास फोर्थ क्लास से, फोर्थ क्लास से मेरा वो क्रश थी, और मैंने मतलब उसको बहुत डर के मैंने उसको फ्रेंडशिप डे के दिन उस दिन बैंड दिया था। तो एकदम से ऐसी वो याद आ गया वो किस्सा, और अभी भी याद है कि कितना खुश हुआ था मैं उस दिन कि मैंने उसे फ्रेंडशिप डे के लिए दिन बैंड बांध दिया, और उसने, मैंने उसे कह दिया कि तू मेरे फ्रेंड बनेगी क्या, और उसने हाँ कह लिया, उसने बैंड बनवा लिया, ऐसा पागलों की तरह हैप्पी वैप्पी हो गया था मैं उस दिन। तो वो मेरा एक क्रश थी लाइफ का, और जिसको मैंने फ्रेंडशिप डे के दिन ऐसे बैंड बांधा था। तुम्हारा कोई ऐसा किस्सा बताओ जो हम तुम मुझसे शेयर कर सको, और मैं फिर सबसे शेयर कर सकूं, कोई भी ऐसा किस्सा बताओ, कमेंट करो, मैं पढ़ रहा हूँ। तो धरना प्रमोद शर्मा कह रही है मेरे बेस्ट फ्रेंड माधुरी पुन है, वी आर टोटली डिफरेंट बट वी लव ईच अदर, प्लीज रीड दिस, आई वॉन्ट टू लिसन, प्लीज से आवर नेम्स, दैट्स सो स्वीट। और तो धरना कह रही है उनकी बेस्ट फ्रेंड है माधुरी पन, और माधुरी, और वो एकदम क्रेजी, और वो एकदम क्रेजी हरकतें करती है जैसे मैं करता हूँ, जैसे तुम सब करते हो, क्रेजी वाले दोस्त ही सबसे बेस्ट होते हैं। मेघा जैन कह रही है यू आर नॉट रिप्लाइंग मी, अरे ऐसा नहीं है मेघा, मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। करण बिजवानी कह रहे हैं आई हैव वन क्यूट फ्रेंड जिससे आज मैं नाराज होके बैठा हूँ। अरे यार करण, ये बड़ी दिक्कत है भाई, कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड से नाराज नहीं होना, स्पेशली फ्रेंडशिप डे के दिन तो बिल्कुल नाराज नहीं होना भाई, बिल्कुल मत होना नाराज, अभी मना लो कैसे भी करके, या तो उसको कहो कि तुमको मना ले, बात करो ऐसे फ्रेंडशिप डे के दिन नाराज नहीं होने का। तो शिखा चौहान कह रही है मेरी फ्रेंड पागल सी है, उसका नाम प्रियंका है। पागल सी फ्रेंड है ना, मैंने कहा कि पागल से फ्रेंड होते हैं सब, बेस्ट फ्रेंड होते हैं पागल होते, तुम सब भी पागल कह रहे हो अपने दोस्तों को, सही है भाई, बढ़िया है, सही बात है, सच बात है। सैम पटेल कह रहे हैं आप चिंटू पोपट बोलो, मैंने बोला चिंटू पोपट, अभी चिंटू पोपट का तो मजाक उड़ाएगा है ना, चिंटू को ऐसे बोल के, सब जानता हूँ मैं थारी शरारत, सब जानू मैं चौधरी, कि मारे से ले वो ना पंगा जी, मैं कहने लगे मारे हिवड़ा में जागी धोकनी। टीके अनु हर्षिता कह रही है प्लीज मोहित आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, वी मेट इन हैदराबाद, रियली अ ग्रेट मीट फॉर अस, प्लीज विश मी ऑन माय बर्थडे ऑन 15th of August, होप ऑन दैट डे आई गेट बर्थडे विश, प्लीज प्लीज।
तो अनु आई होप कि यार मेरे को याद रहेगा तो मैं पक्का आपको विश करूंगा, और अगर तब नहीं तो मैं अभी आपको विश करता हूँ हैप्पी हैप्पी एडवांस में बर्थडे अनु हर्षिता आपको। और भौमिक प्रजापति कह रही है कि भौमिक प्रजापति का बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया है, वो कह रही है कि लड़कियां गजब हैं, पहले मोहित ब्रो का कोई नेम नहीं था, तब कोई लड़की मोहित ब्रो पर नहीं मरती थी, जब उसने नेम कमाया तो लड़कियां उस पर मरने लगी, रॉन्ग नंबर है। अरे यार ऐसा नहीं है भौमिक ब्रो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें कोई एक बात बताता हूँ, मतलब देखो ऐसा लगता है तुम्हारे दोस्त को देख कर कि मैंने कभी वैसे बताया नहीं, क्योंकि मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ, पर अपने पर ही बहुत सारी लड़कियाँ मतलब फिदा थी कभी, ऐसा भी मतलब रॉक स्टार से पहले की बात है, मतलब मेरे को जहाँ पता चलता था कि मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता था पता करके कि मेरे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियों को मैं पसंद था, तो ऐसा करके, पर कभी कमिटेड नहीं हुआ यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है बोलने में। हाँ लेकिन ऐसा था, मतलब था तुम्हारा भाई मतलब गाना वगैरह गाता था तो लड़कियाँ मतलब थोड़ा बहुत पसंद करती थी तो अच्छा लगता था, और अभी भी करती है तो बड़ा अच्छा सा लगता है, क्या ही बोलूँ मैं, अच्छा लगता है यार, बस बढ़िया है। प्यार दो प्यार लो। तो हिमानी प्रजापति कह रही निराली मोर देन फ्रेंड्स वी आर सिस्टर्स, दैट्स सो स्वीट। सरबजीत मुखर्जी कह रही है माय बेस्ट फ्रेंड इज माय मॉम, वो मुझे सबसे ज्यादा समझती हैं, और जो सबसे ज्यादा समझती हैं वो ही बेस्ट फ्रेंड होती हैं। एकदम एग्जैक्ट कहा सरबजीत ब्रो, दैट्स सो स्वीट। अरे और मैं और मेरी मॉम भी ऐसे कई बार हमेशा करते थे कि मतलब जब भी फ्रेंडशिप डे होता था ना तो मम्मी और मैं एक दूसरे को भी मैसेज करते थे सबसे पहले हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तो मैं मम्मी को कहता था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मम्मी कहती थी हाँ तू भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो ऐसा तो होता ही, मॉम सबकी बेस्ट फ्रेंड्स होती होती हैं। आशुतोष राजूकर कह रहे हैं कि मोहित बिहाटी हैं उनके बेस्ट फ्रेंड, और मोहित बिहाटी उनके लिए कुछ भी करेंगे, ही वुड डू एनीथिंग फॉर हिम, दैट्स सो स्वीट। रूबी मारुका कह रही है माय बेस्ट फ्रेंड इज निधि जोशी बिकॉज शी ऑलवेज हेल्प्स मी, दैट्स सो स्वीट रूबी मारुका, और बहुत बेस्ट विशेज है आपको और आपकी बेस्ट फ्रेंड निधि को मेरी तरफ से। और माही मंती कह रही है मोहित विल यू फ्रेंडशिप विद मी, बिल्कुल जी जिंदगी भर की दोस्ती हमारी, ऐसे पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम सबका, जिंदगी भर की दोस्ती अपनी जी। राठौर अर्जुन सिंह जी कह रहे हैं जब मैं हॉस्पिटल में था तो वो हमेशा मेरे साथ रहता था, मिस यू अंकित, दैट्स सो स्वीट राठौर की आपके फ्रेंड अंकित ने आपकी हेल्प करी जब आप हॉस्पिटल में थे, तो दोस्त होते ऐसे हैं यार, वो इतने प्यारे होते हैं, मतलब वो कुछ भी हो जाए आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके गलत में भी आपका साथ देंगे, और गलत होने पर आपको ये बताएंगे कि भाई तू गलत था इसको सुधारियो नेक्स्ट टाइम। तो सबसे बेस्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपके अच्छे में तो आपके साथ है ही, आपके जब भी आपको प्रॉब्लम होती है तब आपके साथ हमेशा साथ में खड़े रहें, और आपकी बेइज्जती भी करें सबके सामने और आपका मजाक भी उड़ाएं जैसे मेरा उड़ाते हैं अभी भी, तो ऐसा है ही। और आयुल मुरानी कह रहे हैं माय बेस्ट फ्रेंड इज कामिल एंड ही इज स्वीट जस्ट लाइक। अब जैसा कि मैंने कहा था आप सबको किस्सा बताओ, तो कोई किस्सा बताओ मुझे कि कौन सा तुम्हारा वो फ्रेंडशिप वाला डे वाला कोई किस्सा है जो, या ऐसी कोई स्टोरी है जो मैं शेयर कर सकता हूँ तुम सबसे। तो बिंदु सागर कहती है माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज प्रतिमा एंजल एंड शी इज क्रेजी गर्ल फनी। इप्सित कह रहे हैं गिरिजा इज माय बेस्ट ब्रो। आशुतोष राजकुर कह रहे हैं कपकेक पंस प्लीज टेक माय नेम, हाउ स्वीट। सागर व्यास कह रहे हैं मैं मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड को भाभी बोला और हम दोनों लड़ाई कर लेते थे। सुरवी खैतान कह रही है मेरी बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल झल्ली है, उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं लिया तो अभी वो बच गई हैं सबके सामने, झल्ली कह रही हो सुरवई अपनी बेस्ट फ्रेंड को, हाँ एकदम मेरे जैसी है तो सुरवई तो अपूर्व गुप्ता कह रहे हैं कि प्लीज सिंग फिर मुझे दिल से पुकार तू प्लीज प्लीज प्लीज, तो यार मेरा अभी गला अच्छा नहीं है तो मैं पक्का तुम सबके लिए गाता पता है। और नेहा सालवे कह रही है मेरी बेस्ट फ्रेंड है श्रुति सान्या एंड महक एंड भाविका, आई कैन टेक अ बुलेट एंड डाई फॉर दीज गाइस, सो स्वीट नेहा, सो स्वीट। और किसी ने कोई किस्सा शेयर किया है क्या, आकांक्षा प्रियदर्शनी ने किया है किस्सा एक शेयर, वो कहती हैं कि एक बार मैं और लक्ष्मी सुता एक सड़ेलू टीचर मतलब
एक सड़ी लिव टीचर थी जिसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बहुत सुनाया था, मतलब बहुत सो मैं लक्ष्मी दोनों मिल के टीचर्स डे के दिन उनके चेयर पे तो आकांक्षा कह रही है कि उनकी उनकी बेस्ट फ्रेंड ने एक दिन एक बहुत ही मतलब उनकी सड़ेलू टीचर थी जिससे बेस्ट फ्रेंड को बहुत सुनाया था, मतलब लक्ष्मिता को बहुत सुनाया था, तो एक दिन लक्ष्मिता ने टीचर्स डे के दिन दोनों ने मिलकर आकांक्षा और लक्ष्मिता ने उस टीचर की चेयर पर पापड़ रख दिया था और उसके ऊपर अच्छा सा टेबल क्लॉथ डाल दिया था और जब वो बैठी उस पर तो बस काम खत्म, टोटल बेइज्जती। वाह, मतलब ऐसे ऐसे मतलब खतरनाक प्लान्स तुम सबने आपस में मतलब किए हैं फ्रेंडशिप डे के दिन, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था ये आकांक्षा का ये बहुत बढ़िया सा प्लान। और ऐसी तुम सबने कोई क्रेजी सी चीज की तो जरूर शेयर करना मेरे साथ में, मुझे अच्छा लगेगा सुन के। अरे यार तो मतलब बहुत ही अलग अलग किस्से मैं पढ़ पा रहा हूँ। तान्या गिरी कह रही है हैप्पी फ्रेंडशिप डे मोहित, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू। तो तान्या राठौर अर्जुन सिंह जी जो हैं वो कह रहे हैं कि वो चल नहीं सकते हैं तो वो हमेशा, मैं चल नहीं सकता तो वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे दोनों पैर से चलना नहीं हो सकता तो मुझे कहीं पर भी जाना होता है तो मेरा फ्रेंड अंकित मुझे ले जाता है उठाकर। तो ये राठौर अर्जुन सिंह जी कह रहे हैं कि वो चल नहीं सकते हैं और उनके दोनों पैर से मतलब चल नहीं सकते हैं तो उनके फ्रेंड अंकित हैं वो उन्हें उठा कर ले जाते हैं हर जगह। तो ये बहुत अच्छा लगा ये जान के अर्जुन ब्रो कि मतलब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे लिए ये करते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा अर्जुन ब्रो कि मतलब हम सब ना मतलब बहुत लकी हैं कि मैं आप सब, हम सब बहुत लकी कि हम चीज़ें देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। बहुत छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं लाइफ के, मतलब लोग कहते हैं कि मुझे शायद बहुत बड़ा बंगला मिल जाएगा तो मैं खुश होऊंगा, मुझे कोई बहुत बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, और मुझे कुछ ये मिल जाएगा, मुझे मुझे इस लड़की का प्यार मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे इतना बड़ा कुछ ये अचीवमेंट कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन मैं आप सबके साथ में एक बात छोटी सी शेयर करना चाहता हूँ जो मैं फील करता हूँ कि मतलब बहुत छोटी छोटी खुशियाँ हैं लाइफ की कि आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप अपनी ब्यूटीफुल से ये जो वर्ल्ड है आप देख सकते हो, अपना ब्यूटीफुल चीज़ें सुन सकते हो, आप लोगों को सुन सकते हो, आप बातें करते हो सुन सकते हो, आप इतनी ब्यूटीफुल से जो पहाड़ है, आप स्काई है, ये सब आप इतना खूबसूरत पूरी ये जो दुनिया है इतनी खूबसूरत, आप उसको देख सकते हो, आप उसको सुन सकते हो, आप उसको महसूस कर सकते हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़े गिफ्ट हैं और मतलब जो कितने सारे लोगों के पास में नहीं होते हैं। कितने सारे लोग आज शायद देख नहीं सकते हैं, कितने सारे लोग शायद आज सुन नहीं सकते हैं, जैसा कि अर्जुन ब्रो कह रहे हैं कि वो अभी चल नहीं सकते हैं, उनका शायद वो हॉस्पिटल में थे, कुछ एक्सीडेंट हुआ उनके साथ में जिसकी वजह से वो चल नहीं सकते हैं, तो उनका फ्रेंड अंकित उन्हें हेल्प करता है, उनको उठा कर ले जाता है हर जगह। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जो भी इस टाइम पर है ना, आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप सिर्फ देख भी सकते हो, अगर आप सिर्फ महसूस भी कर सकते हो ना आप सब, तो आप बहुत लकी हो। आप इतने लकी हो कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ आप कितना अमेजिंग चीज़ है आपके पास में। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको खुशियाँ दे सकती हैं, आप ये कभी मत भूलना, जितने भी लोग ये देख रहे हैं ये कभी मत भूलना कि अगर आप चल भी सकते हैं, अगर आप महसूस भी कर सकते हैं, अगर आप खाना भी खा सकते हैं, आप इतनी ये जो चीज़ें हैं ये जो शायद आपके लिए बहुत छोटी चीज़ें होंगी, अगर आप ये भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में तो आप बहुत लकी हैं। आप बहुत खुश होने चाहिए इन छोटी चीज़ों के लिए भी कि आप ये सब भी अगर कर सकते हैं ना तो आप बहुत सारे लाखों लाखों लोगों से ज़्यादा लकी हैं कि आप ये सब भी कर सकते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू राठौर ब्रो कि आपके फ्रेंड आप इतने ब्यूटीफुल है कि वो आपकी हेल्प करते हैं। और राठौर जी मैं आपको ये कहना चाहूँगा राठौर अर्जुन ब्रो कि अगर आप चल नहीं सकते हैं, आपके पैर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं यार, आपके पास जो कुछ भी है ना अभी आप प्लीज़ उसमें खुश रहिएगा कि आप हमारे साथ में, आप अगर हम सबसे बात कर सकते हैं, आप इस फेसबुक पेज पर हम सब हमारी फैमिली के साथ में जुड़े हुए हैं तो हमको बहुत खुशी है।
और मैं कहूंगा कि यार आप हम सबके बीच में होना यही हमारे लिए बहुत लक की बात है, और ये मैं कहता हूँ आपके लिए बहुत लक की बात है कि आपके पास हम जैसे दोस्त हैं और हमारे पास आप जैसे दोस्त हो। तो अभी लाइफ तो शुरू हुई है यार, आपके पास इतना ब्यूटीफुल दोस्त है अंकित जैसा जो आपकी इतनी हेल्प करता है। तो यू आर वेरी लक्की, वी आर वेरी लक्की कि आपने इतनी ब्यूटीफुल बात हमसे शेयर करी राठौर अर्जुन सिंह जी। और मैं क्या कहूँ यार, मतलब खुश होने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा काफ़ी होती हैं। बड़ी चीज़ों में खुशी शायद मिल जाए लेकिन वो टेम्प्रेरी मिलेंगी, तो बहुत छोटी चीज़ें लाइफ में खुश होने की जो आप सबके पास में है, तो उन छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहना सीखो। और मतलब देखो कि आपके पास जो है वो कितना कितना बड़ा कितनी बड़ी चीज़ है जो आपके पास में है अभी, वो वाकई में कितनी बड़ी चीज़ है, और वही बहुत काफ़ी आपके आपके पास में आपको ज़िंदगी भर की हैप्पीनेस देने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यार बस दिल खुश हो गया तुम सबकी बातें सुन के। और आज फ्रेंडशिप डे मेरा तो सेलिब्रेट हो गया है, मैं कुछ आज फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर पाया हूँ नहीं कर पाया हूँ, मेरा फ्रेंडशिप डे तो आज सेलिब्रेट हो गया तुम सबकी बातें सुन के। और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुम सबसे बात करके। एंड टेक केयर, और बहुत सारी मस्ती करना, और याद रखना तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड तो पक्का तुम्हारी लाइफ के लिए सेट है, वो है मोहित। मतलब तुम्हें कभी भी ये मान लो तुम कोई भी मेरे फैन नहीं हो, मैं मेरे पसंद भी नहीं किसी को फैन कहना, तुम सब मेरे दोस्त हो, मेरी लाइफ का पार्ट हो और हमेशा रहोगे, हमेशा हमेशा रहोगे। तो तुम मेरे मेरी लाइफ हो, मेरी जान हो, और ये मान लो, ये जान लो, ये ठान लो, ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारी लाइफ में जो एक फ्रेंड तुम्हारी लाइफ में हमेशा कन्फर्म है ना, जो तुम्हारी लाइफ में मतलब मोहर लगा लो, ठप्पा लगवा लो, कॉन्ट्रैक्ट करवा लो मेरे से, वो मैं हूँ। तो मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा रहूँगा, तुम मेरी लाइफ में हमेशा रहोगे, और बस ये फ्रेंडशिप हमेशा साथ में रखना। एंड आई लव यू, थैंक यू फॉर बींग इन माई लाइफ, आई लव यू ऑल, एंड टेक केयर, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, लव यू, बाय।